नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं ज्योति राघव। जयपुर में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में महिलाओं द्वारा संचालित रेडियो स्टेशनों को हरित ऊर्जा के उपयोग पर 21 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए सब्सिडी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर करीब 15,60,000 रुपए करने की घोषणा की है। खास बात यह है कि महिलाओं द्वारा संचालित और हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अब 21 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पश्चिमी क्षेत्र का सम्मेलन आज और कल यहाँ पर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा एक मौका होता है जहाँ पर सब लोग आपस में मिलते हैं और सब रेडियो के बारे में चर्चा भी करते हैं और मिनिस्टर के लोग भी साथ में होते हैं, तो जो भी समस्याएं होती है या जो भी कुछ हमें चाहिए होता है वो मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा जरिया है। इस सम्मेलन के लिए मैं भारतीय जनसंचार संस्थान को बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देता हूँ। IIMC के अपर महानिदेशक डॉ. निमेश रुस्तगी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के 20 साल की यात्रा का जश्न मनाने का अवसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। ये कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन का सम्मेलन है पश्चिमी भारत के लिए, तो यहाँ पर महाराष्ट्र से, राजस्थान से और गुजरात से और मध्य प्रदेश से जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जिनको हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहते हैं, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स आए हैं और यहाँ पे अगले दो दिन आज और कल बहुत से विषयों पे चर्चा होगी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और IIMC उनके साथ जुड़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और हमें बड़ी खुशी है कि हम जयपुर में हैं और हमारी आशा है कि यहाँ पे जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की जो भारत में जो एक मूवमेंट है उसको बल मिलेगा और उनकी समस्याओं को भी समाधान होगा। सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो के लिए आचार संहिता, स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण और बिना लिंग भेदभाव के अवसरों तक समान पहुंच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिक रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, ऐसा है, ये कम्युनिटी रेडियो का सम्मेलन है जो कि जयपुर में आयोजित हुआ है। इसमें जितने भी वेस्ट स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इनके जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सबका सम्मेलन है जिसमें कि कम्युनिटी रेडियो सेक्टर के बारे में ये लोग आपस में अपने अनुभवों को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो समस्याएं हैं उसको मंत्रालय को आभास हो जाएगा जिससे कि उसके तहत काम किया जा सके। आपको बताना चाहूँगा, पूरे देश में करीब 513 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑपरेशनल है जिसमें से कि एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में वेस्ट जोन में है। इस समय 145 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी रेडियो, आप सोच रहे हो कि क्या होता है, इनफैक्ट ये कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो है। ये आकाशवाणी से अलग है, ये प्राइवेट FM रेडियो से अलग है क्योंकि इसमें जो है इसका जो ओनरशिप जो है वो कम्युनिटी के द्वारा ही होता है, तो ये कम्युनिटी की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये सम्मेलन मंत्रालय का उद्देश्य है कि ज़्यादा जो लोग कम्युनिटी रेडियो में काम कर रहे हैं वो आपस में जुड़ें, सरकार की पॉलिसी के बारे में जानें और सरकार क्या क्या आगे कर रही है उसके बारे में वो करें और साथ ही साथ एक पीयर लर्निंग हो पाए, एक दूसरे के साथ मिलकर के लर्निंग, तो ये इसका उद्देश्य है। और ये सम्मेलन में मुझे बहुत खुशी है कि मोर देन 120 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं और ये आशा करते हैं सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस सम्मेलन से स्पष्ट होता है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मजबूत बनाने के लिए गंभीर है और विशेष रूप से महिलाओं और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। महिलाओं और हरित ऊर्जा पर केंद्रित यह पहल सामुदायिक रेडियो को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी। यदि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।